नमस्कार मित्रों, मैं जनबाद टाइम्स से सुनील पांडे। आज देश अत्यंत विषम परिस्थिति में गुजर रहा है, अतः इस विषम परिस्थिति में हमें सरकार का साथ देना चाहिए। हमें लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना चाहिए, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी पूर्णतः पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम अपने घर पर रहें, यदि बहुत ज़रूरी काम हो तो हम पूरे एहतियात के साथ बाहर निकलें। सर्वप्रथम मुख में मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स पहनकर तथा फुल कपड़े पहनकर बाहर निकलें और जितनी जल्दी हो सके अपने सभी ज़रूरी काम पूरे करके घर आ जाएं। घर आने पर अपने सभी कपड़े उतार कर एक अच्छे डिटर्जेंट में धुल लें तथा साथ ही एक अच्छे सोप से अपने शरीर को साफ करें। कोरोना वायरस से बचाव ही सर्वप्रथम तरीका है। अभी तक इसकी कोई दवा विकसित नहीं हो पाई है। दुनिया के अन्य देशों में कोरोना वायरस से अत्यंत भयावह स्थित है। भारत की स्थिति तो अभी अन्य देशों की अपेक्षा संतोषजनक है। भारत में अब तक 853 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 84 लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 21 लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत को छोड़कर विश्व के अन्य देशों में जहां पर कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उनमें चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, इराक हो, इटली हो, स्पेन हो, वहां पर कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अत्यंत बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यदि हम एहतियात नहीं बरते तो हमारे यहाँ भी विषम परिस्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि संकट की इस घड़ी में देश के साथ खड़े हों और सरकार की द्वारा दिए गए निर्देश का पूर्णता पालन करें, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। जय हिंद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।